तो दोस्तों, आप अपने वीडियो को और चैनल को कैसे सर्चिंग लिस्ट में ला सकते हैं? कौन से वो स्ट्रीक की जो स्ट्रीक अपने चैनल पर लगाने के बाद अपना चैनल सर्चिंग लिस्ट में आएगा और अपना चैनल ग्रो करने लगेगा? तो सिंपल सा दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आर्किटेक्टिकल। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे यूट्यूब रिलेटेड और टेक्निकल वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दिए। दोस्तों, मैं पहले दिखाता हूँ, मेरा चैनल सर्च करने के बाद यह फर्स्ट नंबर पर आता है। दोस्तों, सिंपल सा मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ आर्किटेक्निकल। देख सकते हैं दोस्तों, यह फर्स्ट नंबर पर मेरा वीडियो आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ओपन करने के बाद यह चैनल मेरा शो हो गया। तो दोस्तों, आपका भी चैनल सर्चिंग लिस्ट में आ सकता है। तो दोस्तों, कैसे आ सकते थे आगे मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, आपको गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। और दोस्तों, करने के बाद यह सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है YT स्टूडियो लॉगिन। तो सिंपल सा दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। और दोस्तों, सर्च करने के बाद यह लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना है। और दोस्तों, थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेना है। दोस्तों, वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यार, नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। और दोस्तों, क्लिक कर देने के बाद यार थोड़ी देर वेट कर लेना। दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। या दो नंबर वाले ऑप्शन पर आपको चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल से रिलेटेड यहाँ पर टैग ऐड कर देना। तो सिंपल सा दोस्तों, मेरा टेक्निकल चैनल रिलेटेड है तो मैं आरके टेक्निकल ऐसे ही टैग डालूंगा। तो दोस्तों, आपका स्टेटस रिलेटेड होगा कि कोई और चैनल रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर टैग ऐड कर देना। तो सिंपल सा, आपको स्टेटस रिलेटेड होगा तो दोस्तों आपको स्टेटस रिलेटेड टैग ऐड कर देने। तो सिंपल सा दोस्तों, लव स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस, सैड स्टेटस, ऐसे आपको टैग ऐड कर देना है। और दोस्तों, वीडियो को सर्चिंग लिस्ट में लाने के लिए वीडियो अपलोड होने के बाद 5-10 मिनट के बाद आपको उस वीडियो का टाइटल कॉपी कर लेना है। और दोस्तों, कॉपी करने के बाद यह आपको पेस्ट कर देना है। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको पूरा पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा कट कट करके आपको यहाँ पर ऐड टैग कर देना है। तो सिंपल से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। और दोस्तों, आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना। और दोस्तों, जिस वीडियो को सर्चिंग लिस्ट में लाने का उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों, सिंपल से मैं आपको करके दिखाता हूँ। और दोस्तों, यह पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपको ये पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपल सा दोस्तों, ये थंबनेल कैसे लगा, यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाए, ऐसा थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको कॉपी करके वहाँ पर ऐड कर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करने के बाद आपको फिर से YT स्टूडियो लॉगिन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, सिंपल से मैं आपको करके दिखाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो टैग ऐड हो गया। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको ये सेव कर देना है। और दोस्तों, आपकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको चैनल का नाम अपने हैशटैग लगा के ऐड कर देना है। और दोस्तों, तभी आपका चैनल और वीडियो दोनों सर्चिंग लिस्ट में आने लगेंगे धीरे धीरे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।